आज मैं आपको अपनी सीक्रेट डायरी से एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूं जो आपने कभी नहीं सुना होगा और कोई इंटीरियर डिजाइनर इसको शेयर नहीं करता। क्या आप जानना चाहेंगे? हाय, मेरा नाम शशांक जैन है। वेलकम बैक टू माय चैनल वुडोफा। ये एक ऐसी ट्रिप है और ट्रिक है जो कि काफी सारे इंटीरियर डिजाइनर्स या आर्किटेक्ट्स यूज करते हैं व्हाइल डिजाइनिंग देयर होम्स। इट इज कॉल्ड एज रूल ऑफ थर्ड। इसका मतलब है कि आप अपने रूम को तीन हिस्से में डिवाइड कर लें। जब भी आप इसको ये सबकॉन्शियस लेवल पे या कॉन्शियस लेवल पे डिजाइनर को ट्रेन किया जाता है और वो उस हिसाब से इसे डिजाइन करता है। होता क्या है कि अगर आप दो हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लो और एक वर्टिकल लाइन डाल दो तो आपको ग्रिड बन जाएगी। तो आप अपने अपने रूम को ग्रिड में डिवाइड कर सकते हो एंड देन रूल ऑफ थर्ड अप्लाई कर सकते हो। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्रेट है सबकॉन्शियस या कॉन्शियस लेवल पे, जो किसी भी डिजाइनर को पता होना चाहिए और अपने क्लाइंट को समझाते वक्त उसको ये रखना चाहिए दिमाग में कि ये ओवरऑल लुक एंड फील कैसी क्रिएट करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बेडरूम में रूल ऑफ थर्ड को कैसे अप्लाई करें। हालांकि ये हर जगह अप्लाई होता है, चाहे वो बेडरूम हो, किचन हो, लिविंग रूम हो, इवन बाथरूम्स हो। इसका मतलब ये है कि तीन एलिमेंट्स में से अगर जो आपके फोकल पॉइंट, मतलब जो आप देख रहे हो एक साथ, उसमें से एक एलिमेंट जो सबका टॉप एलिमेंट होता है वो फोकस होना चाहिए, बाकी के दो एलिमेंट्स उसको कॉम्प्लीमेंट्री करने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप बेड और बेड साइड टेबल को देखो तो उसके साथ जो बेड साइड टेबल है और जो बेड है उसमें से एक आदमी को फोकस करना है, उसमें से एक एलिमेंट को फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बेड साइड टेबल का बहुत ही सुंदर डिजाइन बनाया तो आप बेड का एक नॉर्मल टिपिकल डिजाइन बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बेड साइड टेबल के ऊपर एक लैंप रखा तो उसका फोकल पॉइंट, उसका फोकस ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन नीचे जो उसकी साइड टेबल है या उसके साथ जो बेड है। हो सकता है जो उसका लाइनर है या जो बेड का रनर है वो भी उसको सपोर्ट करे। तो आपको ये तीन एलिमेंट्स का ध्यान रखना है, तीन चीजों का ध्यान रखना है जब भी आप एक फ्रेम के बारे में सोचें, जब भी आप एक व्यू पॉइंट के बारे में सोचें। अगर मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपका लैंप फोकस है आपके दिमाग में कि आपको लैंप को फोकस करना है, तो बेड और बेड साइड टेबल को थोड़ा सा डाउनसाइज कर सकते हो, थोड़ा सा फील उसको कॉम्प्लीमेंट्री दे सकते हो। अगर आपको बेड जो रनर है या जो लाइनर आप साथ में लगा रहे हो उसको फोकस कराना है तो केवल उसी पे फोकस होना चाहिए, बाकी दो एलिमेंट्स को सपोर्ट करने चाहिए। तो दैट मींस आउट ऑफ थ्री, वन एलिमेंट बिकम्स द प्रायोरिटी एंड रेस्ट टू एलिमेंट्स बिकम्स द सपोर्ट। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है जो यहाँ पर ध्यान रखना है। अब फायर की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एंट्री फायर है या बेड साइड में ही कोई कंसोल रखा हुआ है तो उसमें रूल ऑफ थर्ड कैसे अप्लाई करूं? नीचे की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके अंदर अपने कंसोल को डाल दो और उसको फोकस कराओ। जो ऊपर की वर्टिकल लाइंस हैं, मे बी उसके ऊपर आप अपनी जो लाइट है या जो वॉल लाइट है उसको फोकस कर सकते हो, या आप अपना जो वॉलपेपर है या उसके ऊपर जो कंसोल के ऊपर मिरर लगाने वाले हो या कोई डेकोर लगाने वाले हो उसको फोकस कर सकते हो। सो अगेन, तीन एलिमेंट्स हैं, उसमें से एक एलिमेंट को प्रायोरिटी करना है, दो एलिमेंट्स को सपोर्ट करना है। अगेन, नीचे के वर्टिकल लाइन अगर आप देखो या हॉरिजॉन्टल लाइन देखो तो उसमें एक एलिमेंट को फोकस करना है, ऊपर की वर्टिकल लाइन देखो तो उसके अंदर दो एलिमेंट्स को फोकस करना है। ये मुझे पता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ा सा टेक्निकल है, तो डेफिनेटली साउंड करने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है, एक्चुअली में है नहीं। पर आप जब मल्टीपल चीज़ें करने लगोगे, आप मल्टीपल डिजाइंस, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स करने लगोगे तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा। तो आप कोई भी चीज़ करोगे तो उसको प्रॉपरली परफेक्टली सिंक्रोनाइज करके ही करोगे। यही एक काम है इंटीरियर डिजाइनर का। थर्ड एलिमेंट की बात कर लेते हैं या थर्ड स्पेस की बात कर लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है घर में, यह है लिविंग रूम। अब यहां पर कैसे इसको आप अप्लाई करोगे? तो लिविंग रूम क्योंकि एक बहुत बड़ा स्पेस होता है, यहां पर सिर्फ एक एलिमेंट पे फोकस करके नहीं चलेगा, इसके अंदर मल्टीपल ग्रिड्स बनानी होंगी और मल्टीपल रूल ऑफ थर्ड्स भी लगाने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, चार वॉल्स हैं, आप इस पूरे स्पेस को 9 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, जैसे कि आप पेपर पे बनाते हो एक दो लाइंस, एक और दो लाइंस, तो टोटल मिला के 9 बॉक्सेस बन जाएंगे। अब आप सोचो एक एक बॉक्स में एक एक रूल ऑफ थर्ड अप्लाई करना है, चाहे वो लेफ्ट हो, चाहे वो टॉप हो, चाहे वो राइट हो या वो बैक हो। सोफे का बैक में एक रूल ऑफ थर्ड आएगा, विंडो साइड पे एक रूल ऑफ थर्ड आएगा, टीवी साइड पे दूसरा रूल ऑफ थर्ड आएगा और चौथी जो वॉल बचती है उस पे एक और रूल ऑफ थर्ड आएगा। तो इस तरीके से सारी ग्रिडेड डिवाइड हो जाएंगी और हर वॉल पे एक एलिमेंट को फोकस और दो एलिमेंट को सपोर्ट
कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सोफे की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल सोफा बैक की बात करूं, तो इसको कैसे डिवाइड करोगे, क्योंकि नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन में सोफा आता है तो यहां पर ये फोकस हो गया अगर, तो ऊपर के एलिमेंट्स कॉम्प्लीमेंट करेंगे, वेरस उल्टा हो गया, अगर हम ऊपर के एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल लाइन में फोकस करा रहे हैं तो नीचे वाले एलिमेंट को कॉम्प्लीमेंट कराएंगे। तो आपको ये देखना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ एक ही चीज को अच्छा रखो, रखना ऑब्वियसली सब चीजों को अच्छा है, पर एक की प्रायोरिटी ज्यादा होगी और दो की प्रायोरिटी थोड़ी सी उसमें कम होगी। सिमिलरली अब विंडो साइड्स की बात कर लेते हैं। अब मान लो एक विंडो साइड है, एक वॉल है, अब यहां पर क्या फोकस करोगे आप, यहां पर फोकस है आपका कर्टेन, क्योंकि जो साथ में सामने कर्टेन आ रहा है ये एक बड़ा एलिमेंट है, तो इस पे फोकस है। बाकी साइड में जो मे बी प्लांटर्स लगे हैं, मे बी जो फ्लावर वास लगा है, या मे बी एक फ्लोर लैंप लगा है, वो उसको कॉम्प्लीमेंट कर सकता है। इसी तरीके से बात करते हैं थर्ड साइड पे जनरली, विच इज द टीवी वाला एरिया। अगर टीवी का यूनिट बना तो अब आप यहां पर कैसे इसको अप्लाई करोगे, जो टीवी का बॉटम सेक्शन है या तो वो कंसोल के फॉर्मेट में है या वो एक फिक्स सेक्शन है। अगर फिक्स सेक्शन है तो उसको अच्छा बना सकते हो, उसके ड्रॉर्स के ऊपर कुछ डेकोरेट एलिमेंट डाल सकते हो, नॉब अच्छा डाल सकते हो, या फिर कुछ वर्टिकल लाइंस में, मे बी वो पार्टीशन हो, मे बी एक वॉल लाइट हो, मे बी टीवी के आजू बाजू जो वॉलपेपर लगा है या पैनल बनाए उसको फोकस कर सकते हो। ऐसे ही आपको दूसरी वॉल्स को भी सोचना है। तो जब जब आप इसको इस तरीके से सोचने लगोगे, आप भले ही इंटीरियर डिजाइनर हो, आप भले ही अपने घर का काम खुद करना चाहते हो या किसी इंटीरियर डिजाइनर को हायर कर रहे हो, अगर आपके दिमाग में चीजें रहेंगी तो आप आराम से और अच्छे से उसको डिजाइन करवा पाओगे। इसी तरीके से जो इसकी चौथी वॉल है लिविंग रूम की, वो भी फोकस कर सकते हो। जरूरी नहीं है वहां पर कुछ बहुत बड़ा एलिमेंट ही डालना है, हो सकता है वो प्लेन वॉल हो। अब आप पूछोगे मेरे से, वो प्लेन वॉल को है उसमें कैसे रूल ऑफ थर्ड अप्लाई करूं, बहुत सिंपल है। उस वॉल के अंदर प्राइमरी फोकस उसकी प्लेननेस है, मतलब अगर वो व्हाइट वॉल है तो फोकस सिर्फ व्हाइट वॉल पे ही होना चाहिए और कुछ होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वही एक कॉम्प्लीमेंट्री एलिमेंट है बाकी तीन वॉल्स को सपोर्ट करता हुआ। वेयर एज अगर आपने ऑलरेडी कुछ डाला है और आपको लगता है मेरे को ये वाली वॉल के अंदर कोई एलिमेंट मिसिंग लग रहा है, तो हो सकता है एक वॉलपेपर डाल के, हो सकता है एक कंसोल डाल के, हो सकता है सिर्फ और सिर्फ एक फ्लावर वास रख के, या मे बी एक फाइबर का पॉट लेके और बाजार से और एक इंडोर प्लांट लगा के उसको भी डेकोरेट किया जा सकता है, वही फोकल पॉइंट बन जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप एरियाज को डिवाइड करोगे तो आपकी पूरी लिविंग रूम की स्पेस को रूल ऑफ थर्ड में डिवाइड किया जा सकता है। ऐसे ही हम बात करते हैं आर्ट वर्क की। तो मैं बहुत बोलता हूं, अक्सर बोलता हूं कि घर के अंदर ना अगर फील डालना है तो डेकोर और आर्ट से डालना है। यही कैरेक्टर है जो आपके घर की कैरेक्टर को बनाएगा, आपके कैरेक्टर को डिपिक्ट करेगा। इसके अंदर ही बहुत आसानी से रूल ऑफ थर्ड लग सकता है। सिंपल तरीका है, उस पूरी वॉल पे तीन आर्ट नहीं लगानी, तीनों आर्ट पे फोकस नहीं करना है, एक आर्ट पे फोकस करना है, या फिर एक वर्टिकल सेक्शन या हॉरिजॉन्टल सेक्शन पे फोकस करना है। मान लो बीच का सेक्शन है तो केवल वही फोकस्ड है, दोनों तरफ की जो लाइंस हैं वो ओपन है, नीचे की जो लाइन है वो ओपन है, ऊपर की जो लाइन है ओपन है, वेयरस उल्टा भी हो सकता है, ये दोनों आर्ट कॉम्प्लीमेंट करें। हो सकता है नीचे कंसोल है उसको आप फोकस करना चाहते हो, तो तभी भी आप इसको यूज कर सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीका है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा करता हूं तो मुझे पता है ये करना बड़ा आसान है। जब आप एक दो बारी करोगे, देखोगे, समझोगे तो आपको भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। लास्ट नॉट बट द लीस्ट, कि अगर आप इसके अंदर विंडोज और इंटरसेक्शंस, मतलब एग्जांपल शेल्फिंग कर रहे हो कहीं पर भी अपने घर में, तो यहाँ पर तो बहुत अच्छे तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हो। सारी शेल्फ्स को भरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एलिमेंट्स डालने हैं जिससे कि एक टाइम पे एक ही शेल्फ पे फोकस रहे। जरूरी नहीं है पूरी जगह भर भर के डेकोर डाल दिया, भर भर के इंडोर के प्लांट्स डाल दिए, वो नहीं करना है। करना चाहते हो आप कर लो, पर उससे मजा नहीं आएगा जब तक कि आप उसके एलिमेंट्री डिजाइन को सेट नहीं करोगे। मान लो विंडो है साथ में और उसके साथ कुछ शेल्फ लगी है, या मे बी एक बे विंडो है उसके साथ कुछ एरिया बना है, तो वहां पर जरूरी नहीं है बहुत कुछ डालें, सिर्फ एक दो तीन या चार बुक्स रखी, एक दो या तीन उसके फाइबर के या इंडोर प्लांट्स रख दिए, या कुछ एलिमेंट ऑफ डेकोर डाल दिया, उससे भी वो एलिमेंट सुंदर बन जाएगा, उससे भी वो आर्टवर्क मजेदार बन जाएगा, उससे भी वो शेल्फ अच्छी बन जाएगी। तो यहां पर भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइंस का ध्यान रखना है कि अगर हॉरिजॉन्टल है तो एक है, वर्टिकल है तो एक है। सो अगर आप इस पूरे वीडियो का क्रक्स देखो, क्योंकि मैंने आपको मल्टीपल चीजें बताई एरियाज में वो कैसे कैसे डिवाइड होंगी, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं कि या तो हॉरिजॉन्टल लाइन को फोकस करना है या फिर वर्टिकल लाइन को फोकस करना है। अगर कंसोल को करना है तो कंसोल को करना है, आर्ट वर्क को करना है तो आर्ट वर्क को करना है, अगर सोफे को करना है तो सोफे को करना है,
सिर्फ वॉल की लाइट को करना है तो वॉल की लाइट को करना है। इसी तरीके से आप अपने बाकी घर के एरियाज में, चाहे वो बाथरूम हो, चाहे वो किचन हो, या फिर और छोटे छोटे एरियाज हो सकते हैं घर में, उनके अंदर भी अप्लाई कर सकते हो। ये एक बहुत ही कॉमन रूल है जो कि हर डिज़ाइनर को पता होता है या पता होना चाहिए। तो हम इंश्योर करते हैं कि हम जब डिज़ाइन बनाएं तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। सिर्फ ऐसे ही नहीं कुछ भी मन आया और डाल दिया, हर एलिमेंट की सिंक्रोनाइजेशन ज़रूरी है, तभी इंटीरियर की थीम रेडी हो पाती है। एंड माई फाइनल कमेंट फॉर दिस वीडियो टुडे इज कि अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनर हो या आप अपने घर का खुद काम कर रहे हो, तो आपको बेसिक ग्रिडिंग के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, और अगर नहीं भी पता है तो आप उसको सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करो, आप उसके एलिमेंट को अच्छा बनाने की कोशिश करो, ऑटोमेटिकली चीज़ें अच्छी बन जाएंगी। तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा थ्योरी एलिमेंट डालना है वाइल डूइंग द प्रैक्टिकल थिंग। कई बार बाय गट कि ये अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा, ये हैंगिंग लाइट अच्छी लग रही है या ये डेकोर अच्छा नहीं लग रहा, उससे भी चलना चाहिए। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक घर की स्पेस को डिफाइन करने के लिए। तो आई एम होपिंग कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली मुझे लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर भी करें।